एकदम सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाले लड्डू बना के आज तैयार करेंगे। गर्मियों के लिहाज से एकदम परफेक्ट रहते हैं, या फिर आप इनका सेवन सर्दियों में भी कर सकते हैं। तो आइए आज इसी को बनाते हैं। तो 1 कप मैंने मखाना लिया है। मखाना आप कोई भी ले सकते हैं, छोटे बड़े साइज़ का, जो भी आपके मार्केट में इजली अवेलेबल हो बोलें। और कढ़ाई में उसको डाल के स्लो गैस पे उसको रोस्ट कर लें। दोस्तों, मखाना रोस्ट करने के लिए हमेशा आप लो फ्लेम का ही यूज़ करें, और साथ ही इसको चेक करने का भी तरीका बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे लगभग 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इन मखाने को भून लिया है, और उसके बाद हम 1 मखाना इसमें से लेंगे और उसको क्रश करके देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये अभी नहीं क्रश हो रहे हैं अच्छे से, इट मींस हमें इसको और भूनने की ज़रूरत है जिससे कि हमारे मखाने पूरे अच्छे तरीके से क्रश हो जाए। ये देखिए, अब मैंने 1 मिनट के और भूना और उसके बाद ये अच्छे तरीके से एकदम पाउडर हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं फ्लेम को करती हूँ बंद, और इसमें हम डाल देंगे 1/4 कप रोस्टेड चना। रोस्टेड चना नहीं है आपके पास, आप सत्तू का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास रोस्टेड चना रखा हुआ था, तो मैंने 1/4 कप यानी कि 1 कप मखाने के साथ 1/4 कप हमें रोस्टेड चना का प्रयोग करना है, उसको मैंने इसमें डाल दिया है। और मैंने फ्लेम को बंद कर रखा है, और इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए चलाएंगे। फिर इसको हम पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हमें डालना है 1 ब्लेंडिंग जार में इसे, और साथ ही हम इसमें मात्र 2 चम्मच चीनी डालेंगे। इन सभी चीज़ों का मिश्रण जो है उसका हम अच्छा एक पाउडर रेडी कर लेंगे। आप देखिए, ये पाउडर बिल्कुल फाइन रेडी हो जाता है, तो इसको एकदम फाइन पीस लें। और उसके बाद मैंने 1 चम्मच इसमें मगज के बीज डाल दिए हैं। साथ ही हमें इसमें डालना है लगभग 2 चम्मच देसी घी। दोस्तों, इन सभी चीज़ों को हमें बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। मगज के बीज आपके पास नहीं है तो आप किसी दूसरे भी ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग कर सकते हो, और अगर वो भी नहीं है दोस्तों तो ये वैसे भी हम मखाने के लड्डू बना रहे हैं तो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं। साथ ही ये खुद बहुत न्यूट्रिशियस भी होता है, प्रोटीन रिच होता है। साथ ही मखाना तो हमारा मिनरल्स से भरपूर होता है, तो हमें मखाने का सेवन वैसे भी अपनी लाइफ में करना चाहिए, क्योंकि बाकी ड्राई फ्रूट्स तो हम करते ही हैं, या फिर अगर आप नहीं भी करते हैं तो आप मखाने का सेवन अगर करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। ये वेट लॉस की भी जर्नी में काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये देखिए, इन सभी चीज़ों को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, और उसके बाद ये मिश्रण अभी भी मुझे थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, तो 1 चम्मच देसी घी और डाला है मैंने इसमें। और अब हम इसको चारों तरफ से मिलाते हुए अच्छी तरीके से मिलाएंगे, जिससे कि हमें बहुत ही ज़्यादा भी घी का प्रयोग ना करना पड़े, क्योंकि लड्डू में अगर बहुत ज़्यादा घी होते हैं तो फिर वो घी वाले लड्डू लगने लगते हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो हमें ये थोड़ा थोड़ा करके घी डालना है, और जिस स्टेज पर ये बाइंड होने लगे बस उतने ही आपको घी डालना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मिश्रण हमारा, जैसे हम लड्डू बांधते हैं वैसे बांध रहे हैं, तो अच्छी तरीके से बंध जा रहा है। और इसके बाद हमारे ये डिलीशियस, सुपर हेल्दी, सुपर टेस्टी लड्डू बन के रेडी हैं। आप देखेंगे कि ये खटाखट से बंध भी जाते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं। गर्मी के लिहाज से तो बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इसमें मैंने चने का प्रयोग किया है। चना हमें लू लगने से बचाता है, या फिर अगर आप इसे सर्दियों में बना रहे हैं तो भी ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, प्रोटीन रिच, मिनरल रिच। आप इसे ज़रूर ट्राई करें।